बेसिकली यहाँ पर शॉट चाहिए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से जो भी शॉट है। चलते अपन बिहारा मस्जिद के पास में, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ शॉप रहेंगे अरेबियन कलेक्शन और रेहाने में, जैसे जो भी ईद फेस्टिवल के लिए रमजान के लिए आपको जो अबाया बुखार हिंदी कलेक्शन सर्च करना है उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए सब ऐसे शॉप है यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये गली नंबर 2 जहाँ से अपन निकले थे वो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये सेकंड वाला ये सब ऐसे शॉप है यहाँ पर। ये देखिए सामने भी जो है शॉप है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए ऐसे हिसाब दुपट्टा साफ के जो भी है, ये देखिए सामने भी शॉप से आप लोग देख सकते हो। उनको पता है देखिए बुरका कलेक्शन अब आया है, ठीक है। अभी इतना क्राउड है नहीं, मतलब इफ्तारी करने के बाद में लोग आराम से, मतलब जो है इफ्तारी होने के बाद में बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में क्राउड होगा, तो अभी ये स्टार्टिंग है तो इसलिए ज़्यादा इतना क्राउड है नहीं, ठीक। लेकिन मीनारा मस्जिद के पास में अभी भी क्राउड रहेगा, चलते वहाँ पर मीनारा मस्जिद के पास में और देखते हैं, ठीक है, वीडियो में एंड तक। ये देखिए फाइनली अपन पहुंच गए मोहम्मद अली रोड, ये देखिए आप लोग देख सकते हो मोहम्मद अली रोड इसको बोलते हैं। ये देखिए सामने यहाँ पर, ये देखिए किड्स की शॉप है यहाँ पर भी जो लगे हुए है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो। गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मेन जो है, ये देखिए सुलेमान उस्मान मिठाई वाले, यहाँ की जो बहुत फेमस सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मोहम्मद अली रोड की जो खास मानी जाती, और ये है मीनारा मस्जिद। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं सामने ये मीनारा मस्जिद, ये देखिए, और यहाँ पर शॉप सही देखिए इसका, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से भी एक एंट्री और एक बैक साइड से, ठीक है, यही है मीनारा मस्जिद आप लोग देख सकते हो। और इसके बैक साइड में जो है वहाँ से जो है बैक साइड में खाऊ बन लिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए ये है मीनारा मस्जिद, चलते हैं उसके बैक साइड में और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। ये देखिए अपन आते हुए मीनारा मस्जिद के पास में, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यही है मीनारा मस्जिद, देख सकते हो। एक ब्रिज है, ये ब्रिज बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। और ये जमजम, ये जमजम स्वीट्स रहेगा यहाँ पर, जमजम स्वीट्स के देखिए आप लोग देख सकते हो, जमजम स्वीट्स के ठीक बिल्कुल बाजू में ये मीनारा मस्जिद, ठीक है। और यही पर अंदर खाने पीने की जो भी है सब शॉप वगैरह अंदर, चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में, एंड तक बने रहिए, ठीक है। पीने की चीजें, ये देखिए शॉप्स यहाँ पर, ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए जूस, ये इफ्तारी के बाद में लोग इतना यहाँ पर जो है पीना पसंद करते हैं, मतलब क्योंकि इफ्तारी होने के बाद में मतलब ये जो शौक से मतलब आते हैं, जो बाहर से जो मतलब विजिटर्स आते हैं मतलब घूमने के लिए, वो लोग ज़्यादातर मतलब पीना पसंद करते हैं। सामने एक बार सुलेमान उस्मान मिठाई वाला इनकी एक ब्रांच वहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था मुझे भरे एक, और ये देखिए आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी जो इनका मेन ब्रांच जो है, ये देखिए ये यही है, ठीक है, ये देखिए सब ये खाऊ गली यहाँ से स्टार्ट होती है, जो मुंबई का जो सबसे फेमस स्ट्रीट फूड बोला जाता है, स्ट्रीट फूड, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखोगे, ये देखिए स्ट्रीट फूड आप लोग देखोगे, ये देखिए सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, ये देखिए यहाँ पर मतलब मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मिठाई, मैं आपको बोलता हूँ मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मिठाई यहाँ पर मिलने वाली है। ये देखिए सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, ये देखिए पूरा के पूरा इसको खाओ गली बोला जाता है, ठीक है, मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड ये वाला जो एरिया मोहम्मद अली रोड नियर मीनारा मस्जिद आप लोग देख सकते हो। ये देखिए रमजान में आप लोग देख सकते हो घर बैठे, ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए क्राउड देख सकते हो, अभी इतना मतलब है नहीं, कम है बहुत, लेकिन डे फर्स्ट और सेकंड पे बहुत ही ज्यादा क्राउड था। ये देखिए खाने पीने की चीजें, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए इतना तो मतलब है नहीं क्राउड, अभी 7, 8, 9, 10 रमजान से क्राउड ज्यादा मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए देख सकते हैं सामने, ये देखिए माशाल्लाह पिज्जा फैमिली रेस्टोरेंट यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए, ये देखिए चिकन रोल, चिकन बर्गर सब कुछ, ये देखिए शर्मा मिलेगा यहाँ का फेमस, ये देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए शर्मा, ये देखिए
पूरा भी पूरा खाओ गंदी है ये, ठीक है, ये एरिया जो है पूरा भी पूरा फेमस है, ठीक है। आप किसी भी पूछोगे मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड खाओ गंदी तो कोई भी बता देगा आपको, ठीक है। आप अगर मुंबई सेंटर से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको आना है, ठीक है। और अगर मस्जिद मंदिर से आ रहे हो तो आपको जकरिया मस्जिद आएगा, उसके बाद से आपको आना है मीनारा मस्जिद, ये पूरा भी पूरा खाओ गंदी। ये देखिए यहाँ की ये फेमस मिठाई होती है, इसको मावा मलाई बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सबसे ज्यादा फेमस होती है यहाँ पर, इसको मावा मलाई बोलते हैं यहाँ पर मुंबई की जो मीनारा मस्जिद के पास में, ये जो सबसे ज्यादा फेमस होती है रमजान में, बहुत ज्यादा बिकता है, ठीक है। देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए फिर से एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ मीनारा मस्जिद, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से नजारा देखिए, जबरदस्त क्या बात है, ये देखिए, ये देखिए पूरा के पूरा खाओ गली एरिया आप लोग देख सकते हो, पूरा के पूरा खाओ गली, यहाँ पर पूरी खाने पीने की चीजें आपको मिलेगी, ये देखिए पूरा के पूरा खाने पीने का आइटम मिलने वाला आप लोगों को, तुम देख सकते हो पूरा के पूरा चिकन तंदूरी हो, झोल चिकन झोल जो भी है, पराठा सीख पराठा सब कुछ आपको जो है यहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलेगी आप लोगों को, पूरा के पूरा मतलब खाओ गली है ये फेमस यहाँ का, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पूरा के पूरा खाने पीने की चीजें, चिकन बर्गर हो गया जो भी है सब कुछ, चिकन तंदूर चिकन भी जो भी मतलब जो भी है नॉन वेज जो भी है सब कुछ, सही पराठा सब कुछ यहाँ पे मिलता है आप लोग देख सकते हो, पूरा खाओ गली है सामने ही मीनारा मस्जिद, आप लोग देख सकते हैं मीनारा मस्जिद से उनको सामने आना आपको, ये देखिए पूरा के पूरा ये खाओ गली है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ का पूरा के पूरा ये जो फेमस मतलब स्ट्रीट फूड बोला जाता है ना, जैसे मुंबई स्ट्रीट फूड फेमस, ठीक है, तो ये आपको यही गली में मिलेगा, ठीक है, अपोजिट मीनारा मस्जिद। ये देखिए जूस एक से एक अलग अलग वैरायटीज के जूस मिल जाएगा आपको, ये देखिए देखिए कौन सा शरबत, देखिए हमारे पास बहुत सी वैरायटी है फेमस, अपना मोहब्बत शरबत, उसके बाद नफरत के शरबत आएंगे, उसके बाद दिलजले मैंगो आ जाएगा, मरजामा मोजीटो है, फिर दिलवाले आ जाएंगे, ये अपना सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था सिंस 1988 में, हाँ जो दादाजी ने चालू किया था, और ये कोई कहीं नहीं मिलेगा चैलेंज है मेरा, पी के देखो आप मजा नहीं आ रहा तो पैसे वापस, गारंटी वाला माल है वो, इंडिया इज नंबर वन मोहब्बत के सरबत, ये मोजीटो है, ये मोजीटो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने फ्लेवर हमारे पास 35 फ्लेवर है, जो कि मार्केट में इतना फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, कहीं भी इतना फ्लेवर नहीं मिलेगा, क्या चलूंगा कि आकर के एक बार ट्राई करें, मजा नहीं आए तो पैसे वापस, गारंटी वाला माल इधर मिलेगा, और ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, चैलेंज है मेरा। यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या, ये देखिए ये तो मिठाई देख लीजिए आपने, ये देखिए शॉर्मा भी है यहाँ पर अलग अलग कलर्स का, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं तीन कलर में है, ये तो थ्री कलर शॉर्मा है, देखिए उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये देखिए बुरहानपुर जलेबी, ये देखिए बुरहानपुर की स्पेशल जलेबी है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो बुरहानपुर की स्पेशल जलेबी भी है यहाँ पर गाइस, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब खाने पीने की, पूरा के पूरा खाओ गली इसीलिए तो नाम पड़ा हुआ है स्ट्रीट का, ठीक है, पूरा के पूरा जो है देखिए आप लोग हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हर एक आइटम स्वीट से लेके, ठीक है, स्पाइसी फूड जो भी है सब कुछ, जूस हो गया सब कुछ ए टू जेड, फिर उसके बाद में गारमेंट्स लेडीज किड्स वेयर शूज चप्पल सब कुछ ए टू जेड, मतलब जो भी पूरा के पूरा एक्सपोर्टर भी और इम्पोर्टर भी है ये जो भी है ये मार्केट, ठीक है, ये देखिए और एक जूस की शॉप आ गई आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग मतलब जो भी फ्लेवर्स में होने वाले, ये देखिए जूस आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरा के पूरा जूस, थोड़ा आगे भी चलते अभी यहाँ का तो देख लिया, अभी यहाँ अंदर क्या है वो भी देख लेते, हिंदुस्तान देखो फेमस छोटे कबाब, ये हलीम जो हैदराबाद में सबसे फेमस होता है ना, हैदराबाद ये हैदराबाद बदामी हलीम, ये जो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा चलता है हलीम, ये देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये देखिए हैदराबादी हलीम जो मतलब हैदराबाद का फेमस है जो यहाँ पर, ये देखिए रमज़ान में ऐसे यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, और ये यहाँ पर बेचते हैं, ठीक है,
अरे जबरदस्त रहता है, मतलब खाने के लिए कैसा टेस्ट रहता है। हेलो इनका टेस्ट तो अक्सर का आप टेस्ट ये बता दो पब्लिक भी बता दो आपको एड्रेस रहता है, आप टेस्ट तो करो तो मैं मिल सकते। इसको 12 घंटा जाता है बनाने में, 12 घंटा जाता है इसको। स्पेशलिटी क्या है इसमें? फिर अक्का बकरा पड़ता है, काजू बादाम पड़ता है, ब्रिस्टा पड़ता है, घी पड़ता है, हाँ ड्राई फ्रूट पड़ता है, दाल भी पड़ता है सब वगैरह वगैरह। हेलो मेरे लिए रमजान में व्यवस्था है हैदराबाद से। तो ये स्पेशली जो ये फूड है मतलब ये कहाँ का? हैदराबाद। ये हैदराबाद का डिश है, अरबी डिश है। तो वहाँ पे जो है उसके बाद ये चलता रहे, वहाँ पे भी मतलब साल में एक बार उठता है। अच्छा एक बार होता है साल में जी रमजान की व्यवस्था। क्राउड कब से स्टार्ट होगा? अभी 10 रमजान में क्राउड बस स्टार्ट हो जाएगा। 10 रमजान से आपको इधर खड़े होने टाइम भी नहीं मिला। हाँ अभी थोड़ा क्राउड कम है। अभी क्या है अफतारी करने के बाद में रिश्तेदारों के घर या तैयारी करने के लिए आपके ना आप जो भी खरीदी 10 रमजान के बाद में कर रहे हो ना अभी बहुत गर्दी हो जाएगा। ठीक है जूस बहुत मतलब जूस की पूरी लाइनें लगने वाली, जूस अपने को कमी नहीं मिलने वाला यहाँ पर, जूस जूस कमी नहीं होने वाला। ये देखिए ये भाई है, भाई क्या 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 है आपके पास? मुझे तो है मैंगो लस्सी है, तो गणेश दिल वाले भाई। अच्छा ए वाई फाई है, यस भालूदा है सब है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के मतलब यहाँ पर ये देखिए आपको मिलने वाले। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरा के पूरा कोकोनट में भी है। ये देखिए और मैंगो है अलग अलग ऐसे बोतल में मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगी। देखिए जूस खत्म नहीं होने वाले। ये देखिए जबरदस्त मतलब आप लोग देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये देखिए। अच्छा कौन सा फ्लेवर है? ओके ये देखिए ये ड्राई फ्रूट शाही टुकड़ा। ये देखिए ये यहाँ का जो फेमस है मतलब ये देखिए ऐसे बना के इसको ये देखिए ऐसे सर्व किया जाता है। ये देखिए यहाँ का शाही टुकड़ा ये भी लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ऐसे होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो सर्व करके रखा है और पीछे अभी वो काम कर रहा है मतलब बना रहे हैं। देख सकते हो देखिए मीनारा स्वीट्स बुरहानपुर का स्पेशल वो ये देखिए नाम यहाँ पर लगा हुआ है। और मतलब बहुत सारे स्वीट्स के आइटम्स है। ठीक है इतना कवर नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्राउड देखिए, क्राउड देख सकते हैं फिर भी बहुत कम है। जैसे ये देखिए ये बन रहा है मालपुआ। ये देखिए यहाँ का फेमस ये देखिए जो मालपुआ होता है। ये देखिए ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है ये देखिए स्टार्ट है 1700 रुपए तक होने वाला। ये देखिए रॉयल डीलर बंदों के साथ में। ये देखिए मीनारा स्वीट में मिल जाएगा, जो मीनारा मस्जिद के बाजू में ये स्वीट है। ये देखिए ये जो भी रेस्टोरेंट आप लोग भी आओ विजिट करो। ये देखिए रमजान में अगर आता है यहाँ पर मीनारा मस्जिद के पास। ये देखिए ड्राई फ्रूट ऐसे कटिंग करके इसको जो है सर्व किया जाता है। माल को ऐसे कटिंग होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये। ठीक है यहाँ का और ऐसे जो छोटे छोटे जो कार्टन्स में जो है पैक करके ठीक है बॉक्स में पैक करके जो है ऐसे फिर जो है दिया जाता है। ये भी मालपुआ यहाँ का फेमस है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग भी अगर आते हो मीनारा मस्जिद पे ठीक है तो आप लोग भी एक बार जरूर आइए और विजिट कीजिए। ये देखिए चलते आगे, आगे क्या है वो देखिए। ये देखिए मुंबई में रह के आपको हैदराबाद का 4 मीनार देखने के लिए मिला है। ये देखिए दो वायर ये देखिए 4 मीनार क्या है यहाँ पर देखते हैं। इस 4 मीनार में हैदराबादी हलीम ठीक है यहाँ का जो है ये 4 मीनार में फेमस हैदराबादी हलीम ठीक है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। ठीक है ये देखिए इसे आप आगे बढ़ोगे उसके अपोजिट में आपको एक शॉप मिल जाएगा A1 कलेक्शन जो किड्स वेयर के लिए और बेबी गर्ल के लिए ठीक है जो भी यहाँ पर क्लोथ्स एंड गारमेंट्स का पूरा के पूरा ये देखिए सेक्शन है। आप लोग देखोगे अपोजिट में जैसे आप आओगे खाओ गली में ये देखिए यहाँ पर 4 मीनार के सामने तो ये देखिए। और उसके बाद जूस तो पूरा मतलब अपने को एंड तक ये छोड़ेगा नहीं, जूस का तो पूरा भर के ही पड़ा हुआ है। ये देखिए आप लोग देख सकते हो पूरा के पूरा ठीक है। देखिए फिर से आगे जूस और यहाँ का जो शोरमा भी बहुत सबसे ज्यादा मतलब जो फेमस होता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हो
ठीक है, ये देखिए शोरमा 100 में 3 पीस, ये देखिए शोरमा 100 का 3 पीस यहाँ पर मिल रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, और मैंगो शेक है यहाँ पर, ये देखिए, देखिए एक और फूड आ गया, तो यहाँ पर ये देखिए एक और आ गया, उसके बाद में जूस तो अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले, जूस तो बहुत ही ज्यादा है सब, ये देखिए उसके अलावा, और यहाँ पर जो है गारमेंट्स की भी शॉप से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये देखिए फिर से एक और कलेक्शन, इब्राहिम कलेक्शन, ये देखिए किड्स के लिए, मेन्स के लिए, दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है, ये देखिए चाइनीज ग्रिल रेस्टोरेंट एक, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा आगे आओगे यहाँ पर आपको जो बिरयानी मिलेगा, तो बिरयानी खाना है तो देखिए डेली जायका चिकन बिरयानी, ये देखिए थोड़ा आगे आओगे आवाज नहीं निकल रही, मीनारा मस्जिद से जैसे उस लाइन से आप आओगे, ये देखिए यही पर है दिल्ली भाई का चिकन बिरयानी, ये देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली की स्पेशल आपको बिरयानी मिलने वाली है, ठीक है, और ये यहाँ से जो सब कुछ मतलब जो भी है रेस्टोरेंट ही है, देखिए डोनट्स है यहाँ पर, ठीक है आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पूरा देखिए स्वीट्स अलग अलग टाइप्स के डोनट्स वगैरह है, केक है आप लोग देख सकते हो, ये देखिए द बेकर्स डिलाइट, यही से जो है आपको आना है, लेफ्ट साइड में ही मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो, चलते आगे और क्या क्या है देखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 50 रुपीज़ में एक है, पीछे तो 100 का 3 का सामान, ये देखिए चिकन रोल्स आ गए, कबाब समोसे, ये देखिए यहाँ के चिकन रोल्स और कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए एक और रेस्टोरेंट, ये होटल अल फरम भी से जो है पूरा मार्केट पूरा मीनारा मस्जिद तक जो है फैला हुआ है, देखिए आप लोग देख सकते हो होटल अल फरम, ये देखिए एंड इसके आगे जो ये जो रोड है, ये जो रोड है ये जाता है मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन, यहाँ फिर जाओगे यहाँ से मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा, ये देखिए होटल अल हरम, यहीं से पूरा मार्केट स्टार्ट होता है मीनारा मस्जिद तक, ये देखिए, ये देखिए यही था ये मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा रहा और मार्केट कैसा, आप लोग भी आओ मोहम्मद अली रोड ठीक है मीनारा मस्जिद के पास में और शॉपिंग करो, और सभी को फिर से एक बार रमजान मुबारक हो, ठीक है आप लोग भी आओ, ठीक है सभी शॉपिंग करो और देखते रहिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्द से जल्द, बस आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं उसको डे में जो एक्सप्लोर करूँगा, डे में आपको एक बार जो फिर से एक्सप्लोर करा के बताऊँगा, ये तो होगा नाइट का, और इसके बाद भिंडी बाजार है नाथोता मोहल्ला है नाथोता स्ट्रीट है ठीक है फाइनल है वो भी मैं एक्सप्लोर कराऊंगा, बस आप लोग कमेंट्स करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्ट्रीट पे चाहिए, नाथोता मोहल्ला चाहिए भिंडी बाजार चाहिए, ठीक है आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।